जा ऐसे स्वागत करी मैं तो पता नहीं। ए पकड़, ठीक से पकड़। ए मौसी खड़े, पता नहीं चल यहाँ पे क्या मिल रही है, वहाँ पे मिल कहाँ पे ओ, में। वो तो दामाद जी अंगना में उनको देख के मुझे याद आ रहा है मुझे पैर छूना है, अपने वेलकम के चक्कर में भूल गई। आओ तुम प्लूटो को 10 बजे फोन चल रहा है, 10 बजे नहीं मिला। चाची का नया स्टाइल है, मम्मी का चाची का नया स्टाइल, साड़ी पे चुन्नी, लॉन्ग सूट पे चुन्नी, छोड़ चाची नया बड़े से नया स्टाइल है। हां नया स्टाइल मिला है। अरे बेटा इसको और भी चुने बच्चे हैं ना, और पीछे इसको कहा है बेटा, बेटा बता आज क्या है बोलो। फंक्शन विक्की मैम का, पानी पीना। अच्छा दे दिया 10 बजे फंक्शन, सुबह से नींद खराब करके आपकी बेटी मुझे लेके आई है ना, और यहाँ आया तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी कुछ नहीं करना, देखिए सो जाओ। मैं वही नोएडा, ठीक नहीं आप पूरा नींद खराब किए साथ में। नोएडा ही रहते हो? हाँ। फंक्शन कितने बजे से था? 10 बजे से। 10 बजे से लोग आने वाले हैं, हम लोग अब बात करेंगे 10 बजे से और खत्म होगा 1 बजे का। 1 बजे कहाँ खत्म होने वाला। वैसे अगर कोई नया लोग आएगा ना, घुर्राएगा, भौंकेगा। मुझ पे भी भौंका था, इन पे नहीं भौंक रहा, पता नहीं क्यों लग रहा खातिरदारी में लोग लगे हुए हैं, तो ये कोई अपने ही है इम्पोर्टेंट। चल अब जा, नहीं सुन ले पास रहूंगा जीजू, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, देख रहे देख रहे। कोई जाकर बैठ गया? हाँ मम्मी आ रही है, मिलाने अभी आधा अधूरा है। जीजू सुनो, मेरी बहन है, कहीं सोच रहे हो कि आपकी बहन है? नहीं आपकी, कहीं सोच के ले ना। कोको कोला पिएगी, मिरिंडा पिएगी, लिम्का पिएगी या सैमसंग पिएगी? सैमसंग क्या है? गैलेक्सी जान उसके बोले था कि आज तो मैं आया अगर नहीं करेगा काट 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 लाइट का लाइट करना नहीं कटेगा, करंट लग जाएगा तेरे बाल में। और तो जानबूझ के और कट कट इतना तेज बोल रही है। हां तो ऑप्शन में पानी है, पानी पानी में लेमन सोडा है, वो है। अरे चल पान ले, चल तू हमारी जो भी है ना, पेट निकला था जो भी है ना, उसको बोला है साथ नहीं लेने का। हमारी बहुरानी के, हमारी मतलब बहू की, बहू के पापा जब तक यहाँ आ जाए हमारे ऊपर परेशान ना आए तब तक तुम्हें कुछ ना मिलेगा। अरे देखा, देखा कैसे बोलते,
पहले उन्हें खाऊंगा फिर तुम्हें खाऊंगा। देख ले अभी से तुझे क्या ख्याल है, तू बाद में क्या करेगा है? यही काम कर रहा है कच्चा मैन दूल्हा कलवा कलवा सभी लग रहे हैं और जा रहे हैं रेडी होने। चलो पार्लर चलते इसी है ना, अच्छे से मेकअप करा। टाइम आ गया तेरा, सब में बटेगा और वो ना बीच में खड़ा हो इग्नोर कर रहे जीजू की बात, क्या इग्नोर कर देते हैं सब। चल भाई देख, जब तक तेरी शादी हो रही है ना अभी से लेके जब तेरी शादी, अभी तो फिर इसमें कट जाएगा सब चीज, सब चीज है ना, उसमें जब तेरी शादी तिलक लग पड़ेगा तब से तब तुझे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जिस दिन जब दुल्हन आ जाएगी ना उसके बाद चल जा तेरा इम्पोर्टेंस। मैं हूँ ये नहीं बोल रहे, पता ही गड्डी लेके घूम रहा दूल्हा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे सीन आपने देख लिए होंगे। तो दूल्हा से मिली है हमारे दूल्हा जी हैं, इनका ही बरेचा होने वाला है, बस इसके आगे और कुछ नहीं बताने वाले हैं, सब कुछ आपको देखने को। बेचारा दूल्हा खुद काम कर रहा है, कुछ अगर जानने से काम लग गया किस अदमे में आ गया तो दूल्हा बन गया। दूल्हा नहीं बनना था, डायरेक्ट शादी करना था मुझे। ये है मेरे सबसे छोटे चाचा और इनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। बिहारी से में दो लड़का, हरकिशन सिंह, नवाब सिंह। नवाब सिंह के एक लड़का राम नगीना सिंह के एक लड़का राजनारायण सिंह ये उनके पापा। राजनारायण सिंह के एक लड़का संजय सिंह के दो लड़का, ठीक बा। हरकिशन सिंह के दो लड़का नंद कुमार सिंह और सिंहासन सिंह। नंद कुमार सिंह के एक लड़का राजेंद्र सिंह के दो लड़का अजय या मीठू और सिंहासन सिंह के तीन लड़का। और बाबू आज क्या है, आज फंक्शन है? दो बार पूछा पर क्यों फंक्शन है, ये तो बताइए एक बार कि क्यों फंक्शन है? क्या लगा है दीदी, कैसे बोल रहा है? भोजपुरी बाबू इसी को देख के किया मुझे कम मिलेगा है ना, आरती की जल्दी शादी हो जाएगी तुझे मिलने लग गया है ना। सही है, हो जाएगा। मौसी हम बैठे चॉकलेट पर, चॉकलेट चॉकलेट बैग में पापा से मंगवा लेना, ठीक है? क्या हो रहा है बाबू? मांग रहे हैं है कोई?
सो गाइज, ब्लॉग जो है वो थोड़े लेट जा रहे हैं, बट आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। आज अभी जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों से स्पेशल चीज़ें शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पूजा हो रहा है, मौसी जो है वो पूजा कर रही हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है कि जब भी कुछ भी शुभ काम होता है उससे पहले हम देवता और पितर, आप लोग समझ ही रहे हैं, उन सब की हम पूजा करते हैं। जैसे भी जिस तरीके से हर किसी का अलग अलग होता है। पूजा हुआ, गीत गाया गया है। एटलीस्ट 5 औरत ऐसी चाहिए होती है जिन्हें तेल सिंदूर भी देना होता है। और यहाँ पे मैं उपटन घोल रही थी कि जिसको लगाना है वो लगा लेगा अपने फेस पे, थोड़ा इंस्टा ग्लो आएगा। और गाइज, आपको अगर मैं इसके बाद जो भी लुक है, जो भी सब कुछ आपको अगर देखना है, रील वगैरह, फ़ोटो वगैरह, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी कामिनी अजीत सिंह है। तो यहाँ पे सबको मौसी ने तेल और सिंदूर दिया, ये शुभ होता है सबको देना। और पीली वाले सिंदूर लगाई जाती है जब भी हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा शुभ काम होता है तो। और उसके बाद मैंने फिर मौसी को लगाई। उसके बाद जो है ना, हम लोग मंदिर गए। मंदिर में जाना होता है, पूजा करना होता है, लेकिन उससे पहले हर जगह का ये रिवाज है कि पहले हमारे जो घर के देवता होते हैं, देवता देवी, उनकी पूजा की जाती है। तो वही यहाँ पे पूजा कर लिया हम सब ने मिलके, और उसके बाद हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो मंदिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप था इस वजह से, हम एक छोटा सा मंदिर है, हम वहीं से घूम के आ गए जो कि हमारे सेक्टर के अंदर में ही था। बाबू आप भी आ रहे हो क्या? आप ही रहो धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, पैर जल रहा था। आपने देखा कि पीछे मजाक हो रहा था कि सुबह सुबह ही मौसी बुला ली, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। थोड़े से लेट हो गए सब लोग आने में। और मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि आप लोग व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मेरे जो मायके की फैमिली है, वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसको आपको लगेगा कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। पूरी फैमिली जो है मेरी ऐसी है, नॉर्मल सी है, बड़ी फैमिली है। मतलब किसी को हम नहीं भी बुलाए, कुछ भी नहीं करें, एक छोटा सा भी कुछ भी फंक्शन करना होता है, कुछ भी, मतलब आपस में घर में भी बैठ के ऐसा कुछ करना होता है तो एटलीस्ट 15 से 17 लोग हो जाते हैं। इतने तो हो ही जाते हैं, बिकॉज 3 भाई हैं मेरे पापा, आप लोगों को पता है,
तीनों के बच्चे, फैमिली है इतना, तो हम इतने में ही इतने ज़्यादा मस्ती कर लेते, इतना कुछ हो जाता है कि मतलब मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग देखते ही होंगे जो ब्लॉग देखते होंगे, और आप लोग प्यार भी बहुत ज़्यादा देते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग मैं बहुत जल्दी ही डालने वाली हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग आपको पता है कि कौन सा होने वाला है, उसमें आप लोगों को स्पेशल लुक सबका देखने का मिलेगा, और सब कुछ क्या क्या कैसे हुआ किस तरीके सब कुछ देखने को मिलेगा। झूठाए मेरे शिवाजी महिमा है राउरे अपार, अपार मेरे शिवाजी महिमा है राउरे अपार। रे शिवाजी महिमा गाय के दूध में कैसे चढ़ाऊं, गाय के दूध में कैसे चढ़ाऊं, बछड़ा ने दिया झूठा झूठाए मेरी शिवाजी बछड़ा ने दिया झूठा। पैर बचाने के लिए चप्पल लाए हैं, अब चप्पल से कहाँ से बचा के ले जाओगे अपना पैर, चप्पल इतना गर्म हो गया है। चलो चलो चलो, कोई नहीं, बर्फ पे जाके बैठ जाइए, उसी पे चल के बैठेंगे सब लोग। हमें तो जरूरत नहीं, बिट्टू गए, बिट्टू तो बैठी थी वहाँ पे, हम तो अंदर थे, बारह का बैठ गई थी। जब आप मंदिर से उतरी और मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी तो आपको कैसा फील हुआ? सीख गए बस काट देना, पता चले कि बड़ी बदतमीज लड़की है। सीख गए बस, सीख गए। अब क्या, हमने कुछ बोला था ना, क्या सीख गया कैसे सीख गया, जो हम बदतमीज है, हम कितने शरीफ है कि हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, ये सोचना चाहिए। हानि तो